ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। आइए अपने बाबा से बात करते हैं। वो हर बात जो हम किसी और से नहीं कर सकते, वो हर बात जो हम बाबा से करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमने बाबा को बता दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। इसी विश्वास के साथ आइए नया दिन भी शुरू करते हैं और अपने बाबा से कहते हैं कि हे देवा, दिन भी आपका है, रात भी आपकी है, हम भी आपके हैं, हमारा परिवार भी आपका है। हे देवा, मेरा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है और आपने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी दिया बाबा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे सही राह दिखाइए, ताकि मैं कभी भी भटकूँ ना, कभी भी मेरी वजह से किसी का बुरा ना हो, मेरी वजह से कभी कोई रोए ना, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हे देवा, इतना सक्षम बनाना कि सबके काम आ सकूँ, सबकी हेल्प कर सकूँ, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूँ। ऐसा बनाना कि मेरी वजह से कभी कहीं पर भी कोई ना रोए, किसी की आँख में आंसू आए तो कभी मेरी वजह से ना आए। हर आँख में खुशियों के आंसू हों बाबा, ऐसी कृपा करना, दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। देखिए, दुख सबके जीवन में है, कोई पूर्णतः सुखी नहीं है। जो इस धरती पर है, उसे धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए अपने आप को ये ना कहें कि आप भाग्यशाली नहीं हैं, आपके जीवन में बहुत दुख है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि दुख आया है तो सुख भी आएगा। परेशान होने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत करने से और आगे बढ़ने से काम चलेगा। देखिए, भगवान अगर आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, आप हमेशा खुश रहोगे, सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, दुख तो तब भी आएंगे, आप कितनी ही पूजा कर लो भगवान की, लेकिन दुख तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। हाँ, भगवान के रहने से आपको हिम्मत मिलेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी दुख से लड़ने में। वो आपको इतना सक्षम बना देंगे कि आप हर दुख का सामना बहुत इजीली कर सकोगे। वो पावर है आपकी, करना आपको ही है, इसलिए अपने आप को सक्षम बनाना है। भगवान हमारी हेल्प करने आते हैं, बस हमें उस समझना है उसे, क्योंकि कई बार हमारे सामने अच्छी चीज़ पड़ी होती है और हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए कोशिश करनी है समझने की कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, इसलिए घबरा कर काम नहीं होता, हिम्मत से धैर्य रख कर काम होता है। जब आप सबूरी रखोगे ना, तो आपको हर सॉल्यूशन दिखाई देगा। इसलिए चिंता ना करके भगवान पर विश्वास कीजिए और अपने ऊपर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि वो कराने वाला है और आप करने वाले हो। तीसरा कोई व्यक्ति आपका साथ दे ना दे, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं, मैं बाबा से यही कहूँगी, हे देवा, इनकी लाइफ में हर खुशी देना, इन्हें बहुत खुश रखना और इनकी लाइफ का हर दुख खत्म हो जाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना के नाम है अनाया जी, संध्या साहू जी, बच्चा आरव, रमनदीप कौर जी, राहुल जी, जतिन जी, आरव सचदेवा जी, बच्चे काजल, श्याम बाबू जी, मंजू देवी जी, बच्चा आलोक एंड ऑल फैमिली। हे देवा, बाबा सब पर कृपा करना, रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। हे देवा, जो भी जिस भाव से इस प्रार्थना में सम्मिलित हो, उनके हर कष्टों को खत्म करना, उन्हें सुख देना, शांति देना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। जो भी हेल्थ इशू से परेशान है, जिनको भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य बिगड़ा है बाबा, उनका स्वास्थ्य अच्छा करना, उन्हें जल्द से जल्दी अच्छा कर दो बाबा।
और आज बच्चे आरफ का बर्थडे है। बच्चे आरफ को, उनके पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चा आरफ लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े और बाबा का आशीर्वाद उस पर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। जतिन जी का बर्थडे है, जतिन जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आप भी अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें, आपका हर सपना पूरा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। आरव सचदेवा जी का जन्मदिन है, आरव जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, बाबा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो, खूब सक्सेस मिले आपको आपकी लाइफ में, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जॉनी महाराज जी का जन्मदिन है, जॉनी जी आपको भी आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको भी सदा हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, बाबा का आशीर्वाद बना रहे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर। साईनाथ आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लेकर के आएँ, आपके फैमिली में बहुत सारी खुशियां आएँ और आपकी हर विश पूरी हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए दिन शुरू करना है, प्रार्थना पूरी करनी है और बाबा को साथ लेकर चलना है, तो आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि साईं संभाल लेंगे। ठीक है, दिन शुरू कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।